गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह, QTFM 5.5 दिल में आपका स्वागत है। मैं आ गई हूँ आज के मुख्य समाचार लेकर के। आस्था का पूरा सम्मान पर दूसरों को परेशानी होना स्वीकार्य नहीं, योगी का। सरकार का आस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं, संवाद से हटवाएं लाउडस्पीकर, नए स्थलों के लिए अनुमति ना दें। तपती धूप में खड़ा करके शिक्षक ने 20 छात्रों को पीटा, 41 डिग्री की गर्मी और पिटाई से छात्र बेहोश, दो अन्य को भी अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों से उतारे गए करीब 11,000 लाउडस्पीकर, 35,000 से अधिक लाउडस्पीकरों की कम कराई गई ध्वनि। CMO दफ्तर का लिपिक व राजस्व विभाग का वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार, सुविधा शुल्क वसूलने का आरोप, शिकायत पर की गई कार्यवाही, दोनों आरोपी जेल भेजे गए। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री ने कराई तौल, 70 किलो कम मिला गेहूं, जांच के दिए आदेश, रिपोर्ट तलब की, देर शाम मार्केटिंग इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस। कोरोना का खतरा टला नहीं, बच्चों का जल्द कराएं टीकाकरण, मोदी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में किया आग्रह, यूक्रेन को अब और घातक हथियार देंगे अमेरिका व उसके सहयोगी देश। युद्ध विस्तार की आशंका के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए और हथियारों का किया आग्रह। रशीद तेवतिया ने अंतिम ओवर में 4 छक्के लगा, गुजरात को दिलाई 7वीं जीत। जेनसन के अंतिम ओवर में 25 रन बनाकर टाइट्स ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, कल फिर लेकर के आऊँगी इसी समय मॉर्निंग में, तब तक के लिए नमस्कार।